नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे नालंदा विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे नालंदा जिले के नालंदा विधानसभा सीट के बारे में। इस सीट पर पिछले 6 बार से जदयू का कब्जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी जदयू ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। जदयू ने जहां एक बार फिर से श्रवण कुमार को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार गुंजन पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। हम नालंदा विधानसभा में चल रहे राजनीतिक खींचतान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर यहां विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम साल 2015 की बात करेंगे। 2015 विधानसभा चुनाव में कुल 57% मतदान हुआ था, जिसमें से जदयू के श्रवण कुमार ने भाजपा के कौशलेंद्र कुमार को मात दी थी। श्रवण कुमार को 72,596 मत प्राप्त हुए थे। वो वहीं कौशलेंद्र कुमार के खाते में 69,600 मत प्राप्त हुई थी। श्रवण कुमार पहली बार 1995 से समता पार्टी के टिकट से नालंदा विधानसभा से जीते थे। दूसरी बार 2000 में भी समता पार्टी के टिकट से जीते। इसके बाद फरवरी 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, जिसमें दोनों ही बार उन्हें जीत मिली थी। इस समय श्रवण कुमार जदयू के साथ थे। उसके बाद साल 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को हराना बहुत मुश्किल है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखें तो यहां यादव, पासवान, कुर्मी समुदाय के वोटर्स की प्रमुख भूमिका रही है। इस विधानसभा में राजपूत, भूमिहार, कोयरी वोटर्स को भी संख्या काफी ज्यादा अच्छी रही है। इस सीट पर भाजपा को जीत नहीं मिली है। यहाँ कुर्मी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में कुर्मी वोटरों की संख्या का लाभ नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अन्य सेवाओं की हालत खस्ता, पशु अस्पताल बना है। लोगों को पेयजल की समस्या थी, लेकिन नल जल योजना के तहत अब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ आज भी सरकारी कॉलेज खोले जाने की मांग है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए नहर, पईन के उड़ाही की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही नालंदा विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस में नालंदा विधानसभा से कुर्मी जाति के उम्मीदवार बनाया गया है। लोजपा ने रामकेश्वर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो श्रवण कुमार महज 2000 वोटों से जीत पाए थे, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच में मुकाबला था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने पुराने विधायक को वोट कर जिताती है या फिर किसी नए उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।